नमस्कार दर्शक बंधु मुझ प्रशांत आपण थे स्वागत करुच्चार नंबर वन फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु कंकड़ा चाष बाबद पूर्व भिडियो देखी सारी तो आज भिडियो आम जानवी कि कंकड़ा चाष आपण जो दर्शक मैंने चाहूँगी से मैंने केमी स्टार्ट करें कौ जिनस रही दरकार जो थे सी कंकड़ा चाष नुआक आरंभ करें तेज संपूर्ण बरणी आप भिडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखता है तेज दर्शक बंधु आउ डेरी नक सीधा चलने जा टपिक पर्व तेज दर्शक बंधु आम सहित कंकड़ा चाष बाबद विस्तृत आलोचना चाषी भाई जनक अच्छा आज्ञा नमस्कार आपको आम ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रथम आपचय टी आम दर्शक मानक दिखाँ तानसेन बेहरा सतपड़ा आलुपाटना पूरी तेज दर्शक बंधु आपड़ी तानसेन भाई फार्म को आसपा चाहूँ आपड़ सतपड़ा पहुँची आलुपाटना गाँ पहुँचे गाँव में आपड़ जेकोसी लोक पचारिदे सी तानसेन भाई फार्म बतईदे घर कौटी बतईदे आम आसिक जानल कि भाई एठार बहुत फेमस अवश्य आम सहित आगु कंटाक्ट कर आसी आम गोटे जगह पहुँचीगलु तेज भाई जानापी चाहिए जो मैंने कंकड़ा चाष करने चाहूँ एवं तो आपन को अगणित दर्शक मैंने देखिले जो मैंने कंकड़ा चाष करने चाहूँ से मेरे कौ जिन रही निहाती दरकार प्रथम स्तर से कंकड़ा चाष करेंगे फास्ट आपर गोटे टार्गेट रहा दरकार कौन करेंगे कंकड़ा चाष बहुत प्रणाली रही गोटे आपण छोट छोट कंकड़ा को प्रति मासरे कंकड़ा मानक स्केल जो ऊपर स्केलेटन हार्ड स्केल रही एक्सो स्केलेटन को सी छड़ी पुल गोटे नुआ स्केलेटन सहित आपंकर नुआ स्केलेटन और नुआ डायमेंशन मतलब आपंकर 50 ग्राम कंकड़ा जदि सी स्केलेटन टाक छाड़े तेल आपंकर 70 ग्राम 80 ग्राम पर्यटन कंकड़ा हाँपी से गोटे बडीटा को स्ट्रक्चर बनईकी बाहर अच्छा तो आम कहे मोल्टिंग प्रोसेस ये जो मोल्टिंग प्रोसेस प्रति गोटे मसरे पाखापाखि थे होता है ये मोल्टिंग प्रोसेस जरिया से माने गोटे पर गोटे बढ़ी था अच्छा ये क्लीअर करूँ जो खड़पा भितर अच्छी कंकड़ा अच्छी से खड़पा कौन पूरा उठीज आज्ञा कंकड़ा तार हार्ड कंकड़ा जमी आम लाइव देखुचे से टाइप लाइव एवं आपड़ जो बक्स करेंगे से गोटे मस पर देखिए दुईट कंकड़ा आप गोटे बक्स में देखा तार तो गोटे एक्सो स्केलेटन मानने ऊपर कभरटा टोटल माने एक्जाक्टली कंकड़ा भाई देखा एवं आउ गोटे न्यूली बर्न होता गोटे नुआ सफ्ट सेल जहाँ पूरा एकदम रसगुल्ला भाया पूरा सफ्ट रही है मानने मोटामोटी देखिए साप जो प्रकार खोलस छाड़ी एक्जाक्ट ये तार खोलपाटा को सेमती छाड़ दूसरी पुणी नुआ कर बुझीगल बुझीपारे जिन कहतु यही प्रोसेस रे आमे विभिन्न प्रकार भागरे कंकड़ा चाष करू जदि आप सॉफ्ट सेल है माने जदि आप बिक्री करने चाहिए सॉफ्ट सेल कंकड़ा चाष भी करेंगे जहाद्वारा कंकड़ा को आम बांधा एवं कंकड़ा बड़ा पर्यटन अपेक्षा करवा ये सब कथा ना कंकड़ा गोटे थर रखा खाया पीया को देखे जो एक्सोस्केलेटन छड़े आट द टाइम मिनिमम दुई घंटा पूर्व आम उठे आनी फ्रिजिंग करदे सी मत बिक्री करवा उपयोगी हो जाए या कहते सॉफ्ट सेल मोर क्राफ्ट फार्मिंग जो आप चाहिए करें आउ गोटे चाष हो जेकोसी कंकड़ा को आप टार्गेट ने मड क्राफ्ट जब करेड क्राफ्ट तक आप 250 ग्राम करें मेल क्राफ्ट जब होता आप 500 ग्राम पर्यंत करेंगे सहीटा आप 5 मास लगे सी गोटे प्रकार बिजनेस आउ गोटे लास्ट बिजनेस रही जब ग्रीन क्राफ्ट करेंगे तार टार्गेट रही एक के जी पर्यंत आपको बढ़े पारे तीन प्रकार बेपार बिजनेस रही कंकड़ा उपर तेज जो प्रकार भाव में तीनो आप मेथड कहीगले तो आप बर्तमान कौ मेथड चाष कर नहीं मुझे दुईट जाक मेथड चाष करी गोटे सॉफ्ट सेल करूँ आप टाइमली देखिले जब आप शीत दिन में कंकड़ार रेट पाखापाखि बहुत अधिक थाए मिनिमम नॉर्मल डे ठार आप दुई गुणा कंकड़ा जाए जो 600 ग्राम था 600 टाँचा थाए पर के जी सी आप 1200-1300 टाँचा पर्यटन आसे तेनाली आम जब आपण जुलाई अगस्त मसरे जब कंकड़ा चाष करने को आम आरंभ करवा तेल आम जनवरी फेब्रुआरी बिक्री कर जनवरी बिक्री कले आम कंकड़ा को 200-500 ग्राम पर्यंत बढ़िया चेष्टा करवा हार्ड सेल चाष बोली कहते हार्ड सेल ओडिशा अन्न जो मैंने करने चाहूँ आप दुईट मेथड करते धरतु अगर कौन सी चाषी भाई चाहिए कि चाष करने कौ मेथडा आपण ठीक रोशार बहुत लोग तो अन्य मेथड आक्वेन्टेड होना तेणु बर्तमान पर भल हम सब हार्ड सेल चाष करने टार्गेटेड 200-500 ग्राम बढ़ेगा यहाँ ठीक रही ग्रीन क्राफ किए करेंगे तरह से 1 kg पर्यटन बढ़ेगा चाष करवा उचित तेज बहुत गुड़े क्वेश्चन तो रही कंकड़ा चाष बाबद
किसी जिनस आम यीडर क्लीयर करूँ जमीक धरतु जड़े चाषी भाई आरंभ करने चाहिए से कौ जगार पोखरी काटिले ठीक रही जड़े मधुर जल जनक अच्छी तेल से धरतु करने चाहते समुद्र पा आमती आर्टिफिशियल मेथड करें कि आज्ञा जोटी कंकड़ा चाष हम मुझ प्रथम आम भिडे कहला जो मैंने कंकड़ा चाष करेंगे प्रथम स्मल आमाउंटर बक्स प्रथम टेस्टिंग करवा दरकार तो मिनिमम लेवल सालाइन पाँच रु सात रु दस पर्यंत मेन्टेन कर वर्ष सारा रखिपार दरकार हूँ तो आपंकर कोस्टल बेल्ट एरिया निश्चित होता दरकार ना ये मीठा पा हमें ना धरतु जड़े चाहिए सी मीठा पा जगार गड़िया पोखरी अच्छी से समुद्र पा नहीं धरतु सुव्यवस्था अच्छे टैंकर अच्छी जहाँ भी अच्छी से पा नहीं धरतु से रखा चाहिए से सैंस आउ गोटे प्रकार डेवलप करास आम कहे रिसाइक्लींग आकुआकल्चर जहाद्वारा कि आम रिसाइक्लींग मैंने सेम पा को आम ना टैंकर घर तक रखिक रिसाइक्लींग बारंबार उपयोगी लगे आम वर्टिकल जोटा कहे वर्टिकल मरक्रा फार्मिंग ता तो रिसाइक्लींग यही प्रणाली जो मीठा पा रही कंकड़ चाष से आग्रह रही रास करें रिसाइक्लींग रास कले प्रकृत खर्च तो बहुत अधिक आस खर्च अधिक आसो निश्चित कारण तर जो भौगोलिक स्थित तो सेमती ना ना से जो मैंने इंटरेस्टेड हे खर्च आस प्रफिट भी हम कि प्रोब्लम आप कह कथा अनुसार जो मैंने भी समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानक रोचे कंकड़ा चाष तेब टे बुझे कहतु जो जड़े जमी चयन करेंगे कौ प्रकार जगार से आरंभ करवा ठीक रखु आम ओडार उपकूलवर्ती एरिया बेनामी चाषपाई समस्ते जमीटा को खनन कर रखिंट जमी सेम सेम जमी आ कि करने को पड़े कंकड़ा चाषपाई से उदिष्ट अच्छा आटा तो विशेषकर आम कहे उपकूलवर्ती एरिया हम तेनालीकूलवर्ती जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से मानकर अलरेडी जो कोस्टल बेल्ट पोखरी रही जो मानक नहीं से मैंने चाहिए खोलिक स्पेशल कंकड़ा चाष करने मैंने आपंकर कह कथा अनुसार जो मैंने धरत चिंगुड़ी चाष करुले जो मैंने चिंगुड़ी चाष छाड़ी जो गड़िया पोखरी अच्छी बर्तमान से आराम नुआ किसी तेज आम जानलु कि कौ जगार करमी आप विस्तृत भाव में जनइले बर्तमान कथ आसूँ तो एमती गड़िया पोखरी सीधा सड़क भाव में छाड़देले चलोनी बक्स आकार में करास करने पड़ो तो से बक्स जो बक्स बा जो पाइप आप दौंस जो स्ट्रक्चर बनाऊँच से सब जिनस कौठ मिल कौ कौ जिन या दरकार पड़ो से बाबद जदि कौन से लोक बक्स कल्चर करने को चाहते से विशेषकर बक्स को आप फ्लोटिंग कराइवाई बक्सटा पानीर ऊपर लेयर में सरफेस भाषापी आम दि सैड्रे जमी आम कहते दि कांधे आम पाइप दौचे हल पाइप जार भरटा बहुत एयर थाए सोलन करके पा भसई रखापी हेल्प करे तो आप मिनिमम जदि 300 ग्राम बक्स कर 300 ग्राम कंकड़ा करने को चाहिए तेल आप विशेषकर 20 mm रो पाइप यूज करवा दरकार जदि आप ग्रीन क्राब करेंगे विशेषकर 2 इंच पाइप आप पीवीसी पाइप आप यूज करें जिते शस्ता मिले से चलो किसी असुविधा नहीं यार किसी काम नहीं केवल खाली फ्लोटिंग कर रखे आउ आपर बक्स भी दरकार जो जदि अधिक मात्रा जो मैंने करवाक चाहते से गोटे फ्लोटिंग ब्रिज दरकार जोटा कि हैंडमेड हवा दरकार शस्तार फ्लोटिंग ब्रिज हे जहाँ जा माउंट कर खाद्य दे पारे गोटे जगह बसिकी समस्त कंकड़ा को आज एका बेले खाद्य दे पारे सफा सफी व्यवस्था करने सुविधा हो पारे अच्छा तेज जो भाषापी तो आप बाबद कहले बक्स जो चयन करो प्रकार बक्स रही ठीक ठाक चाष हो पार विशेषकर बक्स आम जब 200 रु 300 ग्राम पर्यंत रेड क्राफ करवा बक्सर छोट बक्स करवा डायमेंशन रहा उचित जहाँकि वाइड रणकर 7 इंच रहा दरकार लेंथ रंच रठ इंच रहा दरकार हाइट आपंकर 6 इंच 7 इंच रहा दरकार धरत बड़ कंकड़ा करने चाहते जन जो मैंने 500 ग्राम पर्यटन करेंगे से मानकर वाइड रस इंच लेंथ रौद इंच हाइट रही आपण 14 इंच
तबे ए जो बॉक्स गुड़ी कौठू मिल पार जो मैंने नुआ कर आरंभ करेंगे सी आपण थ्रो आसिक नहीं पारे ना कौन सी किन संस्था अच्छी जो थे कि मिल पार अनल संस्था बाबद आम कि कहानी कारण मुझे चिटिंग पड़ी अच्छा शहे बक्स गुजरात अर्डर देखी सी मतलब षाठी बक्स दे चालीस बक्स डिसमिस कहले आम कथ किए शुणिले आम आस बक्स कौटी जापर कि लस कैस लस करने से बक्स आपण इच्छा आपड़ किणवे जब आपको सुविधा होनल किनी नचे तो आम पाखे बक्स स्टक् रोचे जब आस किसी नहीं पारे नहीं पारे तेज जो मैंने चाहिए भी आपण सहित जोजोग करेंगे तेज आम प्रायत देखू कि जो भी मछचाष हो चिंगुड़ी चाष कहतु आईएमसी कहतु केटफिश कहतु जेकोसी मछचाष हो पोखरी गोटे प्रस्तुति गोटे भाग रही है जोटा कि पॉन्ड प्रिपेरेसन कौन तो से विभिन्न प्रकार जिनस पोखर पकड़ पड़ता है जमी कहते चूनटे भितर हल बुलाई पड़े तो बहुत तार प्रोसेस रही है तो यही जो कंकड़ा चाष करने जो मैंने चिंगुड़ी चाष करुले से पंडे करें बढ़िया बोली आप कहे तो से पोखरी कोमी भाव में किसी प्रिपेरेसन करने पड़ो ना नर्माल एम छाड़ दि जापर नहीं सर नर्माल छाड़देले भी कंकड़ा हो पाए से किसी माने ना कि पोल पंड प्रिपेरेसन समस्त दरकार आज जिते आम पंड डिपेंड करा और अर्थ विनियोग करते आमको निश्चित भाव में ट्राए करा पड़ो कि पंड्रे केमी कौन बर्ज्यवस्तु न रहू जमी आम एसीडिटी मड रही पटिया पंक को आम सफा करा पड़ू सेमती पंक सफा करवा दरकार सब छः इंच जमी खोला होत कस्टली नुहे टी हालाका भाव में सफा करवा दरकार चूर्ण मार दरकार डोलोमाइट और अक्साइड तीनोटी जाक आप पकड़ आवश्यक एवं जदि ता पूर्व कौन सी चिंगुड़ी चिंगुड़ी चाष होता है तेल ब्लीचिंग मारिदे ठीक अच्छे ये सब ब्लीचिंग डोलोमाइट आपणकर अक्साइड चूर्ण ये सब नि दरकार हो अच्छा ये सब जिनस कौन मानने पोखर में जिते पा भर्ती करा पूर्व ये सब जिनस करा भर्ती कर सारा टी विस्तृत भाव में दर्शक मान पोखर पोखर केमती रेडी पोखर जितेबाला सुखी जाए विशेषकर यही टाइम पोखर सुखी थाए मार्च एप्रिल एप्रिल मस जाए तेणु आपर पोखरी सुखी गला बेले आपड़ ब्लीचिंग मारिपारे अच्छा ये टे खाली अटक चाहिए गोटे एकर पोखरी धरत आम ना से गोटे एकर पोखरी केते परिमाण में कौ जिन दिज्व टी दिं जी आप प्रिपेरेसन टाक ठीक भाव में करने को चाहिए तेल आमको चूर्ण गोटे एकर पोखरी में चालीस किलो रु पचास किलो चूर्ण पकेबाक पड़ो अच्छा फास्ट इनिशियली ब्लीचिंग मिनिमम आपंकर शहे किलो ब्लीचिंग पकेबाक पड़ो एवं ब्लीचिंग पकेबार पंद्रह दस दिन मिनिमम छाड़ापर आप चूर्ण पकईपरि चूर्ण पर आप डोलोमाइट कम से कम गोटे एकर में आपन को दी टन सरी दी क्विंटल तीन क्विंटल आपको डोलोमाइट पकेबाक पड़ो से हीपरी रेसीओ में आप अक्साइड भी पकेबाक पड़ो पकड़े कौन हम कि पानी रो पीएच टाक डोलोमाइट कन्स्टांट रख आपको अक्साइड पकड़े आपर जो क्लारीटनेस भल रबद सेम वे जमी आम चिंगुड़ी चाष करे से कि हालाका परिमाण में हम से आम एक्सपेनसीव होटे कम एक्सपेनसीव कर चिंगुड़ी चाष कले अन्न्य मछचाष कले देखा दिए कि अक्सीजेन से देवाई पड़े अक्सीजेन सर्ट हुए एम को अक्सीजेन सर्ट हुए कि हाँ से आम एकर पिछा जो दुई रु अढ़ाई हजार कंकड़ा करवा तेल आमको अक्सीजेन सर्ट हे ना चारिमास पर्यंत अच्छा जदि आपंकर स्ट्रेन्थ बढ़े आप हाई स्टकिंग करेंगे तो आपको मे भी अक्सीजेन दरकार हो पाए अच्छा ऑक्सीजन दरकार पड़े कौन से एरिएटर लगे चलो ना कि पानी रे ऑक्सीजन कमी गले कंकड़ा हटात तो मरवे ना ये कंकड़ा तो दी ऊपर भी बंची पार पानी रे भी बंची पार जो आम बक्स यूज करुचे से बक्स ऊपर भाग को मैं आसिक तार श्वासक्रिया नहीं पार कि आम देखा जदि बक्स आम हजार बक्स करे तीन सौ पाँच कंकड़ा ऊपर रही कंकड़ा मानने बक्स ऊपर भाग को आसी आम जाना जो आम ऑक्सीजन सर्ट रोचे और आम तुरंत टेस्टिंग भी करें ऑक्सीजन टेस्टिंग तेज आप प्रायत ये भासमान बक्स रे कर तो ये भासमान बक्स कौ प्रकार कौ प्रजातिर कंकड़ाटा करवाटा ठीक रही आम दु प्रकार तो करुचे गोटे आपर रेड क्राफ जो मांडुआ कंकड़ा कहचे आउ ग्रीन क्राफ सिला सेरेटा कहचे दुई प्रकार आपंट कौटू कंकड़ार छोट छुआ कौटू आणुंट किसी हेचेरी अच्छी की ना कौटू केमती कौन कलेक्शन कर आम इंडिया हेचेरी भी अच्छी आपन्न सोर्सेस आपरेंगे आपर वाइल्ड कलेक्शन हूँ चिलिकार छोट छोट कंकड़ा बहुत पाइपर तेज आपंकर चिलिका अच्छी शीघ्र पाई कंकड़ा धरतु
ବାହାରିଆ ଲୋକ ଜଣେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଓଭିଅସ୍ଲି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଚେରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସେସ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁଳ ମିଳିବାର। ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ କେଉଁଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବୁ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ନେବା ସହଜ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚାଷ କେମିତି ବଢିବ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କଙ୍କଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ କେଉଁଠି କରିବୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭାଇ, ଆପଣ ନୂଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଥିବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।